तो दोस्तों अभी देख रहे हैं एक बार फिर फोन लगा के, अब पता नहीं अभी उठाएंगे कि नहीं, वो भी तो दिक्कत है। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे बार बार फोन करेंगे। अभी इतना जल्दी तो उतना रात तक जगते हैं वो लोग, ट्रांसपोर्टिंग के काम रहते हैं, इतना जल्दी फोन नहीं उठाते हैं। दोस्तों अभी टंकी फुल करा रहे हैं तो देखिये यहाँ का रेट जो है, हालांकि हमको यहाँ पे और मेघालय में ये दो ही जगह हमको सस्ता मिला डीजल अभी तक। दोस्तों यहाँ हाईवे बगल में जो पार्किंग रहता है वहीं पे गाड़ी पे खड़ा कर दी है अभी पे। तिरपाल को जो हम लिए थे वो तिरपाल को सोच रहे बांध लेते हैं, बस ये लग रहा है कि फायदा नहीं है क्योंकि तिरपाल बहुत कमजोर है, जितना पतला है उससे हमको लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगा गर्मी में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग चिका बालापुर के बाईपास में ही खड़े हैं और अभी सुबह का 9 बज रहा है। तो पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ पार्सल आने वाला सेट का, उसके इंतजार कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहीं पे खड़े हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर मेरा गाड़ी खड़ा है, पीछे मेरा गाड़ी खड़ा वहाँ पार्किंग में, तो ये सामने में बहुत अच्छा मतलब गुलाब का, इसको खेती कहते हैं, हम इसको गार्डन तो नहीं बोल सकते हैं, क्या कि ये शौक नहीं लगा गया है, ये खेती हो रहा है। यहाँ बहुत सा आसपास में दिख रहा है, अंगूर का भी दिख रहा है उधर, उधर साइड में अंगूर का भी है और भी पूरा आसपास में कुछ ना कुछ ये खेती हो रहा है। ये गुलाब जो अधूरा जो रहता है, ये आधा खिला हुआ, इस टाइप का गुलाब हमको बहुत पसंद है। तो आज हमको यहाँ पर देख कर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, अधूरा टाइप का। तो ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं गाड़ी के पास और इंतजार करते हैं कि मेरा पार्सल कब आएगा, तो हम लोग यहाँ से जल्दी निकलने वाले भी हैं। दोस्तों अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे पार्सल का, पता नहीं अभी तक तो नहीं आया यार। एक बार हम लोग ट्राई किए थे सीडीए को फोन करने का, तो वो हमेशा मतलब बहुत लेट से ही फोन उठाते हैं, उनका थोड़ा काम रहता है उसी को लेकर। तो देखिए अभी तो गाड़ी हमारा यहीं पर खड़ा है और जितना गाड़ी था इधर, कुछ गाड़ी अभी बचा हुआ है, बाकी इधर जितना गाड़ी था सारा चला गया। पार्किंग देखिए कितना ज्यादा बड़ा है, एक बार देखिए ना वापस फोन करके कितना टाइम लग रहा है। अभी लगाते हैं सेठ जी को, ज्यादा लेट होगा तो बोलेंगे भाई। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं एक बार फिर फोन लगा के, अब पता नहीं अभी उठाएंगे कि नहीं, वो भी तो दिक्कत है। हेलो, हाँ भैया आपका 1 बज गया, अभी तक आपका आदमी आया नहीं पार्सल लेके। अरे राजेश भैया वो मैं आपको बताना ही भूल गया था, वो क्या एक्चुअल वो लंबा पड़ता है 50-60 किलोमीटर वहाँ से। हाँ बेंगलोर तो 50-60 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ तो क्या एक्चुअल वहाँ कोई पहुँचाने वाला बंदा नहीं है, आप निकलो या तो फिर अगले चक्कर में देखेंगे या फिर कोई और जुगाड़ देखेंगे। चलिए ये भी ठीक है, अगले चक्कर देख लेंगे, वो तो आना जाना तो लगा ही है समझे। तो हम निकलते हैं यहाँ से, उधर कोई पहुँचाने वाला है। ओ, तो उनको बोल दीजिएगा गाड़ी निकल गया करके। इतना तो प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, इतना देर हम लोग इंतजार किया यार, अभी सेट ये बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तो अब निकलना ही सही रहेगा हमारा। इसीलिए हम आपको बोल रहे थे बार बार फोन करिए। अभी कल अब इतना जल्दी तो उतना रात तक जगते हैं वो लोग, ट्रांसपोर्टिंग के काम रहता है, इतना जल्दी फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे भी ट्रांसपोर्ट का नियम है कि 10 बजे के बाद ही, 10-11 बजे बाद ही फोन रिसीव होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, उनको पहुंचाने वाला आदमी नहीं है कोई, यही बात अगर कल रात में हो जाता तो हम लोग अभी कहाँ से कहाँ सफर कर जाता। चलते कोई बात नहीं, अभी भी निकलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी लेके तो निकल चुके हैं और सबसे पहले हम लोग का डीजल भरवाना पड़ेगा क्योंकि कर्नाटका का हमारा सफर बस 40 किलोमीटर का है। तो एक सामने जियो पंप आने वाला है, तो सोच रहे वहीं पर टंकी फुल करवा लेते हैं, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहेगा, यहीं पे सबसे ज्यादा सस्ता डीजल है, उसके बाद तो उधर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तो देखिए अभी बस आ ही रहा है वो पंप रहा जियो का ही, तो भरवाते यहाँ डीजल। दोस्तों यहाँ पे नहीं लिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, देखते हैं कहीं आगे जाके और लेते हैं। दोस्तों अभी भी हमारा करीब सिलीगुड़ी का सफर 2300 किलोमीटर के आसपास है, तो रास्ता तो सभी सेम ही पड़ रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं नागपुर होके जाएंगे क्योंकि हम लोग को अच्छा एकदम मेन हाईवे मिलेगा, इधर उड़ीसा साइड भी मेन हाईवे मिलता। लगता पंप आ गया, अरे नायरा पंप दिख रहा है, यहीं पे पहले डीजल ले लेते हैं। दोस्तों अभी टंकी फुल करा रहे हैं तो देखिये यहाँ का रेट जो है, हालांकि हमको यहाँ पे और मेघालय में ये दो ही जगह हमको सस्ता मिला डीजल अभी तक, तो हर जगह तो खैर 19-20 का फर्क पड़ जा रहा है, 10-12 रुपये, 8 रुपये फर्क पड़ रहा है। तो ये नया पंप, इस पंप में कभी लिए नहीं है, ये देखिए पंप का नाम यही है। तो एक बार अगले बार आए थे तो दूसरा ही नाम था, जो पीला रंग का बोर्ड था उसका, तो नाम हम भी ध्यान से उतर गया मेरा, क्या नाम था, जहाँ पे हम लोग कैपेचिनो पिए थे ना, कैपेचिनो पिए थे। तो जियो में तो गए थे तो उतना लंबा लाइन लगा हुआ कि टाइम को वेस्ट होगा, अरे कहीं भी पैसा देने से मतलब है, तो कोई बात नहीं ये पंप मिला यही ले ले रहे हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा तो आंध्र प्रदेश में देखेंगे 100 कुछ रुपये था, वहां तो और महंगा, फिर जब महाराष्ट्र जाएंगे तब सस्ता पड़ेगा। तो महाराष्ट्र आउट होते होते एक बार और हम टंकी फुल कराएंगे। दोस्तों मेरा टंकी फुल हो गया, 332 लीटर में टंकी फुल हो गया मेरा, अब यहाँ से निकलते हैं, अब यहाँ से कोई टेंशन नहीं। इधर हालांकि रायपुर वगैरह पहुंच जाएगा गाड़ी मेरा, लेकिन फिर भी हम नागपुर जब पार करेंगे तब मतलब महाराष्ट्र खत्म होते थे एक बार और फुल करा लेंगे, देखते हैं कितना आता है। डीजल सस्ता है कर्नाटक में और एक मेघालय में, और एक जगह और था जो भूटान था, लेकिन भूटान में फोन पे चलता नहीं था हम लोग का, इसीलिए हम लोग भूटान में डाल नहीं पाते थे और कैश हम लोग लेकर जाते नहीं थे वहाँ पे हम लोग, तो यही दिक्कत है। भूटान में भी सस्ता डीजल है लेकिन हम लोग पास
फोन पे वो चलता ही नहीं था, इसलिए नहीं डाल पाते थे। चलता है यहाँ से, वो यहाँ से दोस्तों डीजल तो अपना फुल हो गया है, टंकी पूरा फुल कर लिया हम, अब यहाँ से निकल भी चुके हैं। भूख भी लग गया है क्योंकि अभी तो दोपहर के 2 भी बज गया, चलते हैं कहीं देखते हैं कि जो होटल पे खाना खाते हैं, फिर अपना सफर जारी रहेगा। अब कहीं रुकने का कोई काम ही नहीं रहा, जो रुकने का काम था वो तो खत्म हो गया अपना काम। अब कहीं सीधा डायरेक्ट चलते रहना है, एकदम सीधा रामगढ़, मतलब अपना घर पे रुकना है एक दिन, उसके बाद डायरेक्ट अपना चलते रहना। दोस्तों अभी एक होटल हमको मिला तो यहाँ पे अभी रुक गए हैं, तो अब यहीं पे खाते हैं खाना, उसके बाद फिर चलेंगे आगे, गाड़ी को लॉक करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग तो खाना ऑर्डर कर लिए हैं, तो ये देखिए ये आज ऑर्डर किए, जल्दी खा लेते हैं। और सफर अभी तो बहुत काटना पड़ेगा, आज तो करीब 400-500 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। हैदराबाद तो पहुंच ही जाएंगे आज रात तक, हैदराबाद तो इसी रोड पर ही हम लोग रुकना पड़ेगा। हैदराबाद के देखेंगे, बाईपास में तो कुछ है नहीं होटल वगैरह, वहाँ पे इसी रोड पर रुकेंगे, फिर जैसा होगा वहाँ से प्लानिंग करेंगे फिर हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग खाना खा के तो निकल चुके थे, और देखिए अभी बॉर्डर भी आ गया, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आंध्र प्रदेश इन कर जाएंगे। कर्नाटका का हमारा सफर अभी कंप्लीट हो गया है, तो अभी जाएंगे, बस थोड़ा सा पेपर दिखाना पड़ता है, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग बॉर्डर तो पार कर ही लिए, अभी एक सब्सक्राइबर भाई मिले हमारे, चलिए मिलते हैं इनसे। तो ये भी आप झारखंड गए ना? जी झारखंड। हम सुने वहाँ बैठ के हम सुन रहे थे झारखंड से। झारखंड, झारखंड कौन जिला ये जो बोले? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला नको नहीं पार करते छत्तीसगढ़ वाला? हाँ वही बस। अच्छा हाँ, उधर से हम पटना जाते हैं। हाँ पटना जहाँ जाते हैं पुल जैसे ही पार करेंगे तो 5 किलोमीटर सामने जाने के बाद घुसता है। कितना साल हो गया? 18 साल हो गया। 18 साल से यहाँ? जी बहुत अच्छा। 2 साल से हम आपका देख रहे हैं यूट्यूब में। चलिए बहुत बढ़िया लगे, मतलब सब्सक्राइब का यहाँ भी है जी, किसी भी तरह की इधर आप आने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आपका हेल्प जो है साथ देने वाले इधर हम लोग हैं, कोई भी किस्म का परेशानी होता है तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब तो खाना आप खा लिए तो हमारे साथ कोई बात नहीं, कोई है? खाना हम लोग खा चुके हैं, पीछे होटल रुक गया सब। ठीक है निकलते हैं, हमको निकलना भी है। जी जी बोलिए, शुक्रिया। ठीक है सर, मिलते हैं। दोस्तों यहाँ हाईवे बगल में जो पार्किंग रहता है वहीं पे गाड़ी पे खड़ा कर दिया अभी पे, और मौसम भी ठीक है, हवा वो भी नहीं चल रहा है, तो तिरपाल को जो हम लोग लिए थे वो तिरपाल को सोच रहे बांध लेते हैं, क्योंकि कहीं भी बारिश आ जाता है, कहीं हवा चलता है, फिर बांधने में दिक्कत हो जाता है। तो यहीं पर अच्छा मौका मिला, धूप भी नहीं है, ठंडा मौसम भी है। देखिए तिरपाल निकाल लिए हैं, तो तिरपाल जैसे जो बंडल आता है ना उसको ऊपर नहीं खोलना चाहिए कभी भी, ये उल्टा पुल्टा समेटा हुआ रहता है, तो उसके लिए अगर नीचे में उसको अच्छी तरह से चपोतना पड़ता है फिर ऊपर लेके जाएंगे। ये देखिए अभी सागर वहाँ मोड़ रहा है, देखिए उसको आधा लगा करके से मोड़ेगा उसको, उसके बाद फिर जरा हम भी जैसे पकड़ ले रहे हैं, ये वहाँ से मुड़ाई होगा डबल उसको, और हम लोग नीचे तरफ कर लेते हैं फिर ऊपर लेके जाएंगे इसको। अभी देखिए ये मेरा दूसरा छोर है, अभी वहाँ समटा रहा है तिरपाल वहाँ पे। अब क्या ना कि बरसात तो है नहीं लेकिन फिर भी डाल देते हैं, तो बारिश से चलते हैं, सपोर्ट भी रहेगा और अपना कार्टून वाला माल लोड होने के बाद थोड़ा सा टेंशन रहता है। दोस्तों अभी देखिए तिरपाल बांध दिए हैं, देखिए ऊपर रस्सा से खींचा जा रहा है, तो हल्का है चला ही जाएगा, अभी इसको बिछाना है। दोस्तों तिरपाल तो पीछे तरफ से बिछा लिए हैं, देख रहे हैं आगे कहां तक आ रहा है इसका लंबाई, इसका उतना ही लंबा ठीक है, लंबाई ना ज्यादा नहीं ना छोटा है ना, चलो उसको खोलो, दोनों साइड बराबर खोलेगा, बराबर खोलो, देखते हैं कितना आ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तक तो रास्ता मेरा हो गया है। दोस्तों अभी करीब शाम के 7 बज चुके हैं और पूरा तिरपाल बांध लिए, ये देखिए पूरा आगे से लेके पीछे तक पूरा अच्छे से टाइट हो गया है, लेकिन एक चीज बस ये लग रहा है कि फायदा नहीं है क्योंकि तिरपाल बहुत कमजोर है, जितना पतला है उसे हमको लग रहा है ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगा गर्मी में, फिर फट जाएगा बरसात होने के बाद। बोला पिछले वाला तिरपाल क्या था कि बहुत मोटा था और 2 लेयर वाला था, ये सिंगल है, तो ये तो नहीं लग रहा कि सक्सेस हो पाएगा, बहुत जल्दी बदलना पड़ जाएगा फिर। दोस्तों तिरपाल तो मार लिए हम लोग और निकल चुके हैं, और हैदराबाद यहाँ से मात्र 300 किलोमीटर बचा हुआ है, रात में कहीं रुके हैं तो सुबह सुबह पार कर ही जाएंगे हम लोग हैदराबाद, ऐसे तो रात भी पार कर सकते हैं, उस पार हमको रुकने को ऐसा जगह दिख नहीं रहा है। पहले आते समय देखे थे सरदार जी का ढाबा था, तो वहीं पर रुकने का प्लानिंग है, तो वहीं रुकेंगे, सुबह सुबह हम लोग हैदराबाद पार कर जाएंगे। और तिरपाल तो इसलिए मार लिए, सेठ जी तो हमको बोले थे कि बारिश में मतलब साल में एक बार बांधा जाता है खराब हो जाता है, इसलिए पतला तिरपाल दिए थे, तो हम तो चाहते हैं कि तिरपाल इसलिए बांधना चाहिए कि कई जगह ऐसा होता है कि बिजली का तार मिलता है हम लोग को, और देखे आप लोग भी जब मिस्त्री काम करता है तो प्लास में पीछे प्लास्टिक रहता है,
वो तिरपाल अगर टच होता है, तिरपाल पर टच होगा तार तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पूरा देखिए लोहा का बॉडी है। तो ऐसे तो दोस्तों हमारे गाड़ी में टायर है, टायर तो रबड़ का ही होता है, तो उससे तो खैर करंट तो नहीं आता गाड़ी में। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग पार हुए हैं, तार सट के पार हुआ है तो गाड़ी में करंट नहीं आता है, लेकिन प्लास्टिक मार देने से क्या होता है कि वो लोहा का जो बॉडी है हम लोग वो सटता नहीं है, इस पार नहीं होता, तार जो कुछ नुकसान भी नहीं होता है। तो आप लोग देखें कि प्लास में कैसे प्लास्टिक रहता है, तो वैसे ही काम करता है गाड़ी का भी। तो ठीक है, सफर तो काट ही रहे, अभी देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँच रहे। अभी बॉर्डर तो इधर आंध्रा का बॉर्डर पार कर गए, फिर उसके बाद तेलंगाना का स्टेट है, तेलंगाना का बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर बॉर्डर का क्या है ना कि पता नहीं चलता है, थोड़ा अपने से भी थोड़ा समझ समझ के जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है अगर आप भगा दिए ना तो पीछे से आ जाता है वो लोग, तो लोग बोलता है फिर लफड़ा करता है, जहाँ कम खर्चा में होने वाला वहाँ ज़्यादा लफड़ा लगा देता है कि तेरे को दिखा नहीं है बॉर्डर था, भिसिल मारा और सब गाड़ी रुका था। तो उससे अच्छा भैया रोक लो और जो उसका वहाँ का सिस्टम है वो करके आ जाओ। बस तो रुके थोड़ा शाम में चाय पीने के लिए, तो देखते चाय और बिस्किट भी है और देखते अच्छा बाजार है यहाँ पे। वहाँ चलने वाला यही बाजार मिला हम लोग, तो अभी करना आंध्रा में तो आ चुके हैं हम लोग, अभी आंध्रा में ही हम लोग का सफर चल रहा है। अभी पीते चाय, अभी हम ले लिए दोस्तों थोड़ा ठंडा, बहुत थक गया था इसलिए ठंडा ही पी लेते हैं। ठंडा हम जल्दी पीते नहीं है, गला खराब हो जाता है, सर्दी भी हो जाता है। दोस्तों अभी तो हम लोग निकल चुके हैं, बाबा चाय पी लिए, हम ठंडा पी लिए, अभी इतना काम किए थे उसमें थोड़ा थक गए थे इसलिए पानी ठंडा पी लिए। और अभी इतना ज्यादा प्यास लगता है कि दिन भर हमको लग रहा है कि करीब 5-6 लीटर के ऊपर ही हम लोग पानी पी ले रहे हैं। जहाँ ठंडा पानी मिलता है बोतल ले लेते हैं एक्स्ट्रा भी, और पी पी के तुरंत खत्म भी कर देते हैं। अभी एक एक्स्ट्रा बोतल ले लिए ठंडा पानी का, अभी वो भी तुरंत खत्म हो जाएगा। अभी फिर कहीं होटल में रुकेंगे तो वहाँ पे ले लेंगे। तो पानी तो इतना पी रहे हैं फिर भी प्यास हमारा घुसता ही नहीं है, लगता पीते रहे पानी, इतना ज्यादा भी इधर गर्मी कर दिया, बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों। इसलिए अब ठंडा पानी हम नहीं पीते हैं ज्यादा, नॉर्मल पानी मेरा गाड़ी में है हम वही पी लेते हैं, मिनरल वाटर ही है, जहाँ पानी जो है वही है हम वही पीते हैं। गला जितना ठंडा से ये करोगे उतना जल्दी ही प्यास लगता है, इसीलिए हम ज्यादा वो सब नहीं पीते हैं। चाय पी लिए तो हमको उतना प्यास नहीं लगता है। दोस्तों अभी रात के 12 बजने वाला है और हम लोग आ चुके हैं होटल पे, तो बहुत लंबा चौड़ा होटल दिखाई दिया है, यहाँ पे बहुत सा गाड़ी सब खड़ा, कंटेनर वगैरह सब, बड़ा सा पार्किंग भी है, गार्ड भी है। तो हम लोग यहीं पे रुक गए हैं क्योंकि यहाँ से भी सुबह उठेंगे तो सुबह सुबह अपना जो है हैदराबाद जो है, ऐसे तो फोर लाइन में सफर बहुत जल्दी कटता है, तो सुबह उठेंगे यहाँ 4-5 बजे भी, हम लोग 8-9 बजे तक हैदराबाद पार कर जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं होटल, खाना खा के आते हैं। अभी दोस्तों अभी होटल पर आ चुके हैं हम लोग और हमको यहाँ पर मिला है साका हरा चीज़, भिंडी भुजिया। तो भिंडी वगैरह तो खाते ही है, बहुत मुश्किल से मिलता है ये सब, नहीं तो हर जगह तो दाल वगैरह सब चलते ही रहता है। हम भिंडी का ही आज ऑर्डर किए हैं, भिंडी भुजिया का है। काफ़ी दिन बाद खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना है एकदम, भिंडी भुजिया सूखा टाइप का, हल्का मसाला डाला है वो लोग और इसी टाइप का बनाया है, बहुत तगड़ा लग रहा है। दोस्तों अभी खाना खा के तो हम लोग आ चुके हैं और करीब यहाँ से सुबह सुबह 5 बजे हम लोग निकल जाएंगे, गाड़ी को तो बता दिए है, ये देखिए गाड़ी हमारे सामने खड़ा है। दोस्तों खाना खा के आ गए और लगभग 1 बजने वाला है, तो जा रहे सोने के लिए क्योंकि जल्दी सोएंगे तो तभी 5 बजे उठ के चलेंगे फिर यहाँ से। और दोस्तों कल सोच रहे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कल कुछ खाना बनाते हैं क्योंकि बहुत दिन से गाड़ी में बनाए नहीं, तो इसके लेकर सोच रहे कल कोई स्पेशल कुछ खाना बनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों जा रहे हैं सोने के लिए, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।